बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिमाला, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब बांगे दरा की ये पहली नज्म है। इसमें अलामा इकबाल ने हिमाला की वुसअत और अजमत का तज़किरा इंतहाई खूबसूरत पैराए में किया है। ए हिमाला, ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। ए हिमाला, ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, ए हिमाला, तू हिंदुस्तान सल्तनत हिंदुस्तान की हिफाजती दीवार है, फसील है, तू उसका रखवाला है। चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां, और तेरी वुसअत और तेरी बुलंदी इतनी है कि आसमान झुक कर चूमता है, यानी तू बड़ा वसी और बहुत ऊंचा पहाड़ है। तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोजी के निशान, तुझ में बुढ़ापे के उम्र सीधा होने के कोई निशान नजर नहीं आते। तू जवां है गर्दशे शामो सहर के दरमियां, कई जमाने गुजर गए कई सदियां गुजर गई, गर्दशे शामो सहर के दरमियां तू अभी तक जवान है। एक जलवा था कलीमे तूरे सीना के लिए, अल्लाह ताला ने सीना के पहाड़ पर मूसा अलैह सलाम को एक जलवा दिखाया था। तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए, और तू भी एक तजल्ली है, तू भी एक जलवा है, खोल कर आंखें खोल कर देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। इम्तिहाने दीदाए जाहिर में कोहिस्तां है तू, जाहिर की आंख से देखें तो तू एक पहाड़ नजर आता है, लेकिन पासबां अपना है तू, दीवारे हिंदुस्तान है तू। तू तो अपना पासबां है, रखवाला है, हिंदुस्तान की दीवार है, फसील है। मतलाए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवान है तू। अगर तुझे शायर का दीवान तसव्वुर किया जाए तो तू उस दीवान का मतलाए अव्वल है, पहला शेर है, पहला मिसरा है। ये हैसियत तुझे हिंदुस्तान में हासिल है। और सूए खलवत गाहे दिल दामन कशे इंसान है तू, सूए खलवत गाहे दिल दामन कशे इंसान है तू। और तेरी जो खलवत गाह है, तू जो तन्हाई और खामोशी इख्तियार किए हुए है, वो इंसान के दिल को अपनी तरफ खींचती है। दामन कशे इंसान है तू, इंसान को तेरी तन्हाई और तेरी खलवत अपनी तरफ कशिश करती है। बर्फ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, बर्फ ने तेरे सर पर फजीलत की पगड़ी बांधी है, और खंदाजन है जो कुलाहे मेहरे आलम ताब पर। कुलाह का मतलब टोपी, मेहरे आलम ताब पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले सूरज की टोपी पर जो तेरी दस्तारे फजीलत है वो खंदाजन है। आदमी उस शख्स पर खंदाजन होता है, हंसता है, जिसको वो हकीर जानता है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पहाड़ की, हिमालय की वुसअत और अजमत इस अंदाज में, इस पैराए में, इस तशबीह के साथ बयान की है कि इसकी अजमत और वुसअत के सामने जो कुलाहे मेहरे आलम ताब पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले सूरज की टोपी है, वो भी हकीर है। और तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कोहन, गुजरा दौर पुराना दौर तेरी अजमत रफ्ता की याद दिलाता है, तेरी आन बान और शान की याद दिलाता है। वादियों में है तेरी काली घटाएं खेमा जन, और तेरी वादियों में काली घटाएं ऐसा लगता है जैसे खेमे गाड़े हुए खड़ी हैं। चोटियां तेरी सुरैया से हैं सरगर्मे सुखन, और तेरी चोटियां बुलंद तरीन चोटियां सात सितारों के झुरमट से बातें करती हैं, आसमान से बातें करती हैं। चोटियां तेरी सुरैया से हैं सरगर्मे सुखन, तेरी चोटियां आसमान से गुफ्तगू करती हैं। तू जमीन पर और पहनाए फलक तेरा वतन, तू जमीन पर है लेकिन तेरी अजमत और तेरी वुसत आसमान जितनी है। पहनाए फलक, फलक की वुसत, आसमान की वुसत। और चश्माए दामन तेरा आईना सयाल है, तेरे दामन से निकलने वाला चश्मा साफ और शफाफ है, आईने की तरह सयाल है और बह रहा है, रवा दवा है। दामने मौजे हवा
जिसके लिए रुमाल है, और हवा की मौज का जो दामन है वो तेरे लिए रुमाल है। रुमाल से आदमी अपने जिस्म को साफ करता है, झाड़ पोंछ करता है। कहता है कि तेरे तुझसे जो छू कर हवा गुजरती है वो तेरी सफाई करती है, तेरी खूबसूरती, तेरी अजमत और वुसत को बरकरार रखे हुए है। अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते ताजियाना दे दिया बरके सरे कोहसार ने। अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते, रहवारे हवा हवा का घोड़ा, हवा के घोड़े के लिए बादलों के हाथों में ताजियाना दे दिया है। किस चीज ने? बरके सरे कोहसार ने। पहाड़ के ऊपर जो बिजली चमकती है उसने ताजियाना दे दिया है, चाबक पकड़ा दिया है बादलों के हाथों में। किसके लिए? रहवारे हवा के वास्ते, हवा के घोड़े के लिए। बहुत खूबसूरत तशबीह दी है कि जब घोड़े को चाबक मारा जाता है तो वह और तेजी के साथ भागता है। इसी तरह के जो हवा का घोड़ा है उसको और ज्यादा तेज दौड़ाने के लिए जो बिजली चमकती है पहाड़ के ऊपर उसने बादलों के हाथों में एक चाबक पकड़ा दिया है। ए हिमाला कोई बाजीगाह है तू भी जिसे, ए हिमाला कोई तू खेल का मैदान है, दस्ते कुदरत ने बनाया है अनासर के लिए। और तुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने अपनी सन्नाई से खुद बनाया है। तू एक खेल का मैदान है लेकिन तुझे खुद खुदा ने अपनी सन्नाई से, कुदरत से इस दुनिया के लिए बनाया है। हाय क्या फरते तरब में झूमता जाता है अब्र। फरते तरब खुशी के जज्बात के साथ, किस अंदाज से बादल जो है वो खुशी के जज्बात के साथ झूम रहा है और चल रहा है। फीले बेजंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब्र। जिस तरह बेजंजीर हाथी दौड़ता है इसी तरह से बादल जो है वो किसी की परवाह किए बगैर जो है वो चल रहा है, दौड़ रहा है। जुम्बशे मौजे नसीमे सुबह गहवारा बनी, मौजे नसीमे सुबह, सुबह की ठंडी हवा की मौज, जुम्बश हरकत, जुम्बशे मौजे नसीमे सुबह गहवारा बनी, सुबह की ठंडी हवा की मौज की हरकत एक गहवारा बन गई है, घर बन गई है। किसके लिए? झूमती है नशाए हस्ती में हर गुल की कली, और इस गहवारा में हर फूल की कली नशाए हस्ती में अपनी मौजूदगी के साथ झूमती है, अपनी मौजूदगी की खुशी में, अपनी जवानी की, अपने खिलने की खुशी में झूमती है। यूं जबाने बर्ग से गोया है उसकी खामोशी, और फूल की पत्ती की जुबान से उसकी खामोशी आया है। दस्ते गुलचिन की झटक मैंने नहीं देखी कभी, और फूल तोड़ने वाले हाथ की झटक मैंने नहीं देखी है, कहीं नहीं देखी। यानी कोई फूल तोड़ने वाला नहीं, सब फूल खिले हुए हैं अपनी खूबसूरती और रानाई के साथ, और कोई भी उनको तोड़ने वाला नहीं है। यानी अमन का गहवारा है हिमाला। कह रही है मेरी खामोशी ही अफसाना मेरा, और मेरी जो खामोशी है वही मेरा अफसाना कह रही है, वही मेरी हकीकत को बयान कर रही है। कितना अमन है और कितनी खूबसूरती है। और कुंजे खलवत खानाए कुदरत है काशाना मेरा। कुंज का मतलब कोना, खलवत खाना तन्हाई का घर, तन्हाई का कमरा, काशाना घर। और कुंजे खलवत खानाए कुदरत है काशाना मेरा, और मेरा जो घर है वो इस दुनिया का जो एक कोना है, तन्हाई का कोना है, जो अल्लाह ताला ने अपनी सन्नाई